नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल पे देखा भी, अगर आपने कोई 15 फरवरी 2024 को कोई गुड्स परचेज किया है तो उसकी पेमेंट, उस इनवॉइस के अगेंस्ट में जितनी पेमेंट बनती है वो आज आपको क्लियर करनी पड़ेगी। या फिर अगर आपने कोई आज कोई गुड्स परचेज किया हुआ है तो इस इनवॉइस की जो पेमेंट है, आज वाली इनवॉइस की, इसकी पेमेंट आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 15 मई 2024 तक करनी पड़ेगी। तो ये MSME का जो एक्ट है, इनकम टैक्स की सेक्शन 43B क्लोज एच, ये कहती है कि अगर आपने अपने सप्लायर्स को 15 दिन या 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करोगे तो वो एक्सपेंसेस आपका डिसअलाउ होगा और आपके ऊपर इनकम टैक्स की लायबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये क्या सेक्शन कहता है, किसके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है, इस वीडियो के अंदर अपने थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और ये आज का जो दिन है यानी कि 31 मार्च 2024, ये आपके पास में लास्ट डेज है उन इनवॉइस के अगेंस्ट में पेमेंट करने की जो आपने 15 फरवरी 2024 को परचेज किया था। तो एक बार अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सैलरी क्रेडिटर्स के अमाउंट के ऊपर फिल्टर जरूर कर लीजिए, ऐसे कौन कौन से इनवॉइस हैं जो आपने 15 फरवरी 14 फरवरी 13 फरवरी के आसपास के अंदर जो आपने गुड्स परचेज कर रखा था उनकी पेमेंट क्लियर हो चुकी है या नहीं हो चुकी, या जो सैलरी क्रेडिटर्स के अमाउंट्स आपके पास में आ रही हैं वो कौन सी डेट्स के हैं, तो इसके वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे और ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है। और वीडियो की शुरुआत करें तो उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी जरूर करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लेना क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार और भी मिलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा भी 15 फरवरी, अब ये 15 फरवरी को आपने गुड्स तो परचेज कर लिया, लेकिन अब ये गुड्स परचेज आपने किया किसे, तो यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर आपके पास में दो है, या तो आपने किसी मैन्युफैक्चरर से ख़रीदा हो या अगर आपने कोई सर्विस ली है तो वो एक सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, ठीक है। अब ये सर्विस प्रोवाइडर की कंडीशन के अंदर क्या होगा और मैन्युफैक्चरर की कंडीशन के अंदर क्या होगा भी, ये जो मैन्युफैक्चरर है या फिर ये कोई सर्विस प्रोवाइडर है, ये MSME के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए और ये तो माइक्रो की कैटेगरी के अंदर हो या फिर ये स्मॉल की कैटेगरी के अंदर हो। आप चाहे ट्रेडर्स हो चाहे आप एक मैन्युफैक्चरर हो, ये आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। किस कंडीशन के अंदर, अगर आपने जिनसे गुड्स परचेज किया हो वो एक डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है, आपने डायरेक्ट उस मैन्युफैक्चरर से ही गुड्स परचेज किया हो और वो एक माइक्रो की कैटेगरी हो सकता है या फिर वो स्मॉल की कैटेगरी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो आपने 15 फरवरी 2024 को जो गुड्स परचेज किया था इसकी पेमेंट आज आपको करनी पड़ेगी। आज का मतलब हो गया 31 मार्च 2024, क्योंकि रूल ये कहता है कि मैक्सिमम आपको 45 डेज मिलेंगे। आपकी पर्सनल कंडीशन कुछ भी हो सकती है लेकिन रूल सेक्शन के अकॉर्डिंग ये कहते हैं भी आपको 45 दिन के अंदर पेमेंट है जो करनी पड़ेगी। और या फिर अगर आपने कोई 31 मार्च के अंदर आपके कोई बिलिंग हुई है, 31 मार्च को कोई गुड्स आपने परचेज किया है तो इसकी पेमेंट भी आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 15 मई 2024 तक करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपने जो परचेज करी है वो परचेज की जो वैल्यू है वो आपकी डिसअलाउ हो जाएगी। अगर आपकी परचेज की वैल्यू अगर कोई डिसअलाउ होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अंदर नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा, और नेट प्रॉफिट अगर इंक्रीज हो जाएगा तो आपके ऊपर इनकम टैक्स की पे करने की लायबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि परचेज एक्सपेंसेस आपका डिसअलाउ होगा तो आपका इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब ये आपको किस कंडीशन के अंदर देखना है, ये आपको इस कंडीशन के अंदर देखना है पेमेंट करने वाला क्या देखेगा भी, अगर उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की टैक्स ऑडिट होती है CA के द्वारा 44AB में, तो उस कंडीशन के अंदर उसको पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो CA ये आपकी बुक्स दो तरीके से गो थ्रू करेगा, सबसे पहले तो 15 फरवरी वाले इनवॉइस और उसके बाद में 31 मार्च के जो इनवॉइस है वो इनवॉइस, यानी कि इसकी पेमेंट 31 मार्च तक और 31 मार्च वाले की पेमेंट 15 मई 2024 तक होनी चाहिए। तो ये दो तरीके की आपको ये सैलरी क्रेडिटर्स की वैल्यू है जो देखनी है भी, अगर आपके 31 मार्च के जो आउटस्टैंडिंग आ रही है, अगर ये मान लीजिए 31 मार्च के हैं या फिर कोई 29 मार्च के, 28 मार्च के, 25 मार्च के हैं, तो जो भी आपकी इनवॉइस डेट है उसकी इनवॉइस डेट के
नेक्स्ट 45 डेज आपको काउंट करने होंगे। मैंने मैक्सिमम डेट ली थी 31 मार्च और 31 मार्च की 15। अगर आपकी यहाँ पर एक डेज कम होगा, यहाँ पे 30 मार्च है, तो यहाँ पर आपकी पेमेंट करने की लाइबिलिटी है वो एक दिन और कम हो जाएगी, ये 14 मई 24 होगी। यहाँ दिन डेज कटेंगे तो यहाँ पर भी आपके डेज है वो भी कम होते रहेंगे, ठीक है ना। अब आपकी इनकम टैक्स की अगर मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अगर ऑडिट होती है, ठीक है, तो आपको ये ऊपर एप्लीकेबल होता है ये रूल। अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट नहीं कराते, ITR फाइल करते हो किसके अंदर, 44AD में, जहां आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की जरूरत नहीं होती, आप अपने पर्सनल हिसाब किताब के लिए आप रख सकते हो, लेकिन आपकी जो ITR फाइल कर रहा है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो चेक नहीं करते, वहां पर आपके बुक्स अकाउंट के ऊपर कोई साइन नहीं होते, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके ऊपर ये रूल है जो लागू नहीं होता है 45 डेज वाला। ये किस कंडीशन के अंदर होगा भी, अगर आपने टैक्स ऑडिट होती हो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, ठीक है, आप एक ट्रेडर्स हो, आप एक मैन्युफैक्चरर हो सकते हो या आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हो। अगर आपने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर से परचेज किया हो या किसी सर्विस प्रोवाइडर से अगर आपने सर्विस ली हो, ठीक है, और ये दोनों जो आपके सप्लायर्स हैं ये MSME के अंदर रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है, ये माइक्रो हो सकता है या फिर ये स्मॉल की कैटेगरी हो सकता है, ये दो चीज़ें आपको विशेष ध्यान में रखनी है। अगर आपने किसी ट्रेडर से कोई गुड्स खरीदा हुआ है, यानी कि जिससे आपसे परचेज करिए वो एक ट्रेडर्स है, तो फिर भी आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। अगर ये मैन्युफैक्चरर है या एक सर्विस प्रोवाइडर है लेकिन ये MSME के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी आपको ये पेमेंट करने की जरूरत नहीं है 45 दिन के अंदर अंदर। आई होप कि आपके ये जो सारे डाउट्स है वो क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी हम एक बार थोड़ा सा और डिस्कस कर सकते हैं इस पर, यानी कि किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ट्रेडर्स टू ट्रेडर्स, यानी कि ये इसको पेमेंट नहीं करेगा। अगर कोई मैन्युफैक्चरर किसी ट्रेडर से गुड्स परचेज करता है, यानी कि ये कौन हो गया, परचेजर, ये हो गया बेचने वाला, अगर मैन्युफैक्चरर ने ट्रेडर्स से गुड्स परचेज किया है तो भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोई मैन्युफैक्चरर ने किसी मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज किया हुआ है तो ये एप्लीकेबल होगा। किसी सर्विस प्रोवाइडर ने किसी सर्विस प्रोवाइडर से सप्लाई सर्विस ली है तो उस कंडीशन के अंदर भी ये एप्लीकेबल होगा। ट्रेडर्स टू ट्रेडर्स ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब किसके ऊपर लागू होगा, अगर मान लीजिए कोई ट्रेडर्स है और इसने मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज किया हुआ है तो इसके ऊपर, इस ट्रेडर्स के ऊपर ये पेमेंट करने की लायबिलिटी इस मैन्युफैक्चरर को आएगी। किस कंडीशन के अंदर, वो माइक्रो होना चाहिए और स्मॉल होना चाहिए, और दूसरा वो MSME के अंदर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है, भले ही वो माइक्रो है, फिर भी आपके ऊपर ये रूल है जो एप्लीकेबल नहीं है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। लेकिन अगर आपके ऊपर ये एप्लीकेबल हो रहा होगा तो आज आपको उन सभी इनवॉइस की पेमेंट करनी होगी जो आपने 14 फरवरी 13 फरवरी के आसपास के अंदर जो गुड्स परचेज कर रखे हैं, उनकी पेमेंट आपको क्लियर करनी पड़ेगी। और आपकी जो भी आउटस्टैंडिंग जाएगी 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट के अंदर, उनकी पेमेंट आपको मैक्सिमम 45 डेज यानी कि 15 मई 2024 तक आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, जो भी आपके 31 मार्च के अंदर आउटस्टैंडिंग जा रही है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर भी जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी जरूर कर लेना। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।